क्योंकि ये हमारा लास्ट समर है इस बीच हाउस पर। हमें अच्छा लगेगा अगर हम यहाँ रहकर आपके लिए इस बीच हाउस का काम संभालें। और हम इस जगह का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो क्या कहती हैं आप? ओके। बीच हाउस पर लास्ट समर के लिए। गुड मॉर्निंग, दोपहर के 1 बज रहे हैं मेरे दोस्त, चल साइड हो। हमारी बीच बकेट लिस्ट। कई सालों पहले लिया और मैंने उन क्रेजी चीजों की लिस्ट बनाई थी जिसे हम कॉलेज शुरू होने से पहले पूरा करना चाहते थे। इसके लिए अरेस्ट हो सकते हैं। हाँ यार, अरेस्ट तो हो सकते हैं। पर रियलिटी से आप चाहे कितना भी भाग लो, आपको उसका सामना तो करना ही पड़ता है। मुझे कॉलेज चूज करना था और अपने 2 खास लोगों में से किसी एक को बहुत उदास करना था। आपको कल तक अपना डिसीजन लेना है। मैं गुड बाय कहने के लिए रेडी नहीं थी क्योंकि ये हमारा आखिरी समर था और मैं चाहती थी ये सबसे बेस्ट जाए। नोवा, तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो, क्या हुआ? मेरा नाम वेटिंग लिस्ट से हट गया है। तो फिर उसने ये डिसीजन सिर्फ मेरे लिए लिया? देखो, अगर तुम्हें उस पर भरोसा है तो वो जो कह रही है उसकी बात मान लो। एल, ओह माय गॉड, उम्मीद है हमारे बीच चीजें ठीक रहेंगी। ऑफ कोर्स ठीक रहेंगे। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है। किसकी माँ की? वो क्या है कि मैंने उससे फिर से उस बकेट लिस्ट का नाम मत लेना। I'm sorry। तुम ठीक तो हो ना? मैं नोवा को टाइम दे ही नहीं पा रही, कॉलेज चूज करना है। तो अगले हफ्ते तो कितने बजे निकल रही है बर्कली के लिए? ली के साथ बकेट लिस्ट भी पूरी करनी है। मुझे बस ऐसा लग रहा है जैसे मैं पागलों की तरह भागे जा रही हूँ। देखो, जरूरी नहीं जो दूसरों ने डिसाइड किया हो वही तुम्हारी चॉइस हो। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम क्या चाहती हो। तुम उससे बेहतर डिजर्व करती हो। मुझे तेरे मुंह नहीं लगना। नो! मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं लाइफ में क्या करना चाहती हूँ। तुम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की हो। जिंदगी में कुछ लोग आते जाते रहते हैं, उनमें से कुछ यादें बन जाते हैं और कुछ आपके साथ हमेशा रह जाते हैं।